आज परमेश्वर के लोगों के बीच एक डरावनी बात हो रही है। ये इसके इर्द गिर्द घूमती है कि अनंत जीवन का उपहार पाने के लिए बचाए जाने का क्या अर्थ है, और उस दिन मुझे संदेह है कि कई लोग एक भारी सदमे में होंगे। मैं हूं क्रिस्टोफर सिंह और आज के ताजा कार्यक्रम में आपका स्वागत है। तो मैं आपसे पूछता हूं, क्या आप यीशु में विश्वास करते हैं? शायद आपका जवाब होगा जी हाँ। ठीक, सही का निशान लगा। तो समस्या क्या है? यहां A.W. टोजर कुछ इस तरह से कहते हैं, विश्वास द्वारा औचित्य का सिद्धांत एक बाइबल का सत्य है और कानूनीवाद और अपर्याप्त आत्म प्रयास के एक राहत, लेकिन यह हमारे समय में बुरी संगत में गिर गया है और कई लोगों ने इस तरह से व्याख्या इसकी की है कि यह वास्तव में लोगों को परमेश्वर के ज्ञान से रोकना है। धर्म परिवर्तन के पूरे लेन देन को यांत्रिक और आत्महीन बना दिया गया है। विश्वास अब नैतिक जीवन के लिए बिना माप और मानव अधिकार के लिए बिना शर्मिंदगी प्रयोग किया जा सकता है। प्राप्तकर्ता की भावना में उसके लिए कोई विशेष प्रेम पैदा किए बिना मसीह को प्राप्त किया जा सकता है। आदमी बचाया गया है लेकिन वो परमेश्वर के लिए भूखा या प्यासा नहीं है। वास्तव में उसे विशेष रूप से संतुष्ट रहना और थोड़े में संतुष्ट रहने के लिए प्रोत्साहित करना सिखाया जाता है। तो यहां पर एक सवाल है, क्या यीशु में विश्वास करने से आपका जीवन बदल गया है, या क्या आपका अहम अभी भी जीवित है? और ठीक है, क्या आपने उसके लिए तड़प के साथ जवाब दिया है, या क्या इस दुनिया की छोटी छोटी बातें अभी भी आपको अपनी ओर खींचती हैं? बाइबल में लिखा है भजन संहिता 42 उसका पहला और दूसरा वचन, जैसे हिरणी नदी के जल के लिए हांफती है वैसे ही हे परमेश्वर मैं तेरे लिए हांफता हूं। जीते ईश्वर परमेश्वर का मैं प्यासा हूं, मैं कब जाकर परमेश्वर को अपना मुंह दिखाऊंगा। जो हृदय मसीह का प्यासा है वो उसके उद्धार के बारे में निश्चित है, और जो नहीं है वो निश्चित नहीं है। क्या परमेश्वर के लिए तरसते हैं? ये परमेश्वर का ताजा वचन है आज आपके लिए।